नमस्कार, सिर्फ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार दौरे पर है। अपने बिहार दौरे के तहत बिहार के तमाम जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मुजफ्फरपुर पहुँचे और मुजफ्फरपुर पहुँचते ही कुशवाहा ने जैसा सोचा नहीं होगा वैसा उनका स्वागत किया गया। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भव्य तरीके से मुजफ्फरपुर की जनता के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया गया। सोने का मुकुट पहनाया गया, साथ ही साथ सिक्कों से तोला गया उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा कितने खुश नजर आ रहे हैं इस दौरान, देखिए इस भव्य स्वागत से कितने गदगद नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और आपने ये स्वागत की तस्वीर देखी, अब आपको लिए चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान क्या कुछ कहा उस बात की तरफ। देखिए आप उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। सम्मानित सज्जनों, हमारी पार्टी के जिला में अध्यक्ष और सम्राट अशोक चक्र से ही जुड़े हुए हैं, जैसा कि कोई उन्होंने अभी कहा। मनोज कुशवाहा जी, आप सब लोग जो यहां खड़े हैं बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, सम्मानित अभिभावक भाइयों और मित्रों, तो कार्यक्रम आज मुजफ्फरपुर से लेकर शिवहर तक का है। इसी क्रम में यहां से आगे जाने की यात्रा है। उसको जानकारी दिए कि सम्राट अशोक कलश के लोगों ने अलग से कोई कार्यक्रम स्वागत के लिए रखा है। सरदार अशोक कलश के बहुत सारे साथी यहां उपस्थित हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से काफी पहले से मेरा लगाव रहा है। बक्सर से आए हुए हैं डैन मोल जी, बक्सर में भी कार्यक्रम करते हैं, पटना में भी कार्यक्रम करते हैं और यहां आज के कार्यक्रम में भी इनकी सहभागिता है। सब लोग सम्राट अशोक कलश के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं लोग, मैं उनका हृदय से इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त होगा क्योंकि आगे भी जाना है, वहां भी लोग इंतजार में होंगे। अब यहां आपने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, आपके स्वागत के इस भाव को देख करके हम लोगों की हौसला का अफजाई होता है, ताकत मिलती है। आपने उस रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी मंच पर पहुंचने से पहले हिंदुस्तान के संविधान में जो कुछ बातें कही गई हैं, एक संकल्प के रूप में उसको भी दोहराने का काम किया। सब लोगों ने इस बात की प्रतिज्ञा ली कि हम हिंदुस्तान के संविधान को उसी रूप में मानेंगे, मान रहे हैं, आगे भी संकल्प के साथ इसको बढ़ाएंगे। जिस रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में उन चीजों को शामिल किया था और उनकी जो आकांक्षा थी, अपेक्षा थी कि आगे आने वाले दिनों में जो हिंदुस्तान के लोग होंगे वो पीढ़ी नई पीढ़ी होगी, सब लोग हिंदुस्तान के संविधान को उसी रूप में मानेंगे, उस बात का आपने यहां संकल्प दोहराया, इसके लिए भी मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
जिस रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण किया, उसमें जितनी बातें लिखी गई हैं उन बातों का अक्षरशः पालन जिस दिन होना शुरू हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। बहुत आंशिक चीजें उसकी अभी कार्यान्वित हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसमें लिखी हुई है जिनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं, राजनीतिक मंच से कोशिश करते हैं, आप अपना संगठन बनाकर कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मकसद, हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मकसद, हम सभी का एक ही मकसद है, समाज अच्छा बने, समता मूलक समाज बने, और हमको इसी ही चार कदम आगे बढ़कर करते रहे हैं। ये हमारी जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, इस देश में फिर से अशोक राज की स्थापना होगा। और यहां हम आपके बीच आते हैं तभी नहीं घूमते हैं। हमको इस बात की शुरुआत हमने काम की कि भारत सरकार में मंत्री थे और भारतीय राज्यों के कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उस मंच पर हमारी पार्टी के अतिरिक्त गठबंधन के दूसरे दल के लोग हैं, उनके भी बड़े नेता शामिल थे। उस मंच पर हमने यह बात कही, यह बात कोई ट्रेनिंग के रूप में नहीं बल्कि हम लोगों के अंदर कमिटमेंट के रूप में, यह बात कमिटमेंट के रूप में है। इसलिए आपको भी इस मौके पर हम आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से यह बात आगे बढ़ेगी, और जो आप लोग यहां सुन रहे हैं सब लोगों से ही आग्रह और निवेदन है कि सब लोग मिलकर इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ताकत दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी निरंतर लगे हुए हैं गरीबों की सेवा में, उसको भी ताकत चाहिए, आपसे ताकत मिलती है, आगे भी मिलेगी, उस ताकत का इस्तेमाल फिर आप ही के लिए होगा, और जो सम्राट अशोक क्लब का मुख्य मकसद है उस मकसद को पूरा करने के लिए होगा। हम आपका अपील करते हैं और इन शब्दों के साथ फिर से आपने इतना अच्छा स्वागत का इंतजाम किया और मैंने कहते अभी और कार्यक्रम आप करने वाले हैं, यहाँ आने के पहले सब कार्यक्रम की मुझे जानकारी भी नहीं थी, रास्ते में कुछ जानकारी मिली और फिर यहाँ देख रहे हैं इससे जानकारी मिल पा रही है। इस बात के लिए बुरी बुरी आपकी प्रशंसा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आगे जो आप रोशनी निकाल रहे हैं उसी रोशनी पे हम सब लोग चल रहे चलते रहेंगे। इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि सेवा कर लोग बिहार में होगी। यही सब लोग के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।